अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग वेलकम है आसिफ शेख ब्लॉग में। तो अभी तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने मॉर्निंग के खाने लगा, फातिमा बहुत रो रही है। फातिमा क्यों रो रही है? फातिमा इतना क्यों रो रही पता है? क्योंकि हमारे घर आ चुके हैं, ये भाई साहब आए हैं, तो इस वजह से रो रही है इसको देख के। तो वहाँ पर अकेला था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से इसको अपने अपने घर पे लेकर आ गया मैं। लेकिन ये बटली है ना, ये इतना रो रही है, इसको देख के इतना रो रही है। देखो कोई बात नहीं, आदत नहीं है ना, अभी इसको आदत नहीं है, इंशाल्लाह आदत हो जाएगी धीरे धीरे। वैसे भी घर में रहेगा नहीं, बांध दिया मैंने गैलरी में रखेगा। अरे मेरा बच्चा गैलरी में, वो अरे बाप रे बाप, अरे ये गैलरी में रहेगा अभी एकदम मस्त। फारका बंद करके चले जाऊंगा रहेगा घर में, तो उसका रोना धोना तो ऐसे लगा रहेगा। और मैं आ गया हूँ मस्जिद के साइड, क्योंकि काम की तैयारी की हो गई और हम लोग को जाना है गणेश नगर टाइलर। मुझे आज गणेश नगर में काम इमाम साहब का है। क्या बोलते फैजान भाई, सब मजे में? आज बोलता ब्लॉग बना रहा है, मेरी वीडियो देखता है तू? देखता है, पूरी देखता है पक्का? चलो अच्छी बात है। अरे साहिल बादशाह भी आ चुके हैं आज 9:30 बजे, हम लोग काम भी निकल रहे। साहिल भाई 9:30 बजे जाके कैसा? वालेकुम अस्सलाम, मजा आएगी आज, मजा था। एक दिन में पूरा फाइनल कर देंगे हम लोग। अभी 8 नंबर पे खड़े हम लोग और इमाम साहब का इंतजार कर रहे हैं। इमाम साहब हम लोग पहुंच चुके थे गणेश नगर और यहाँ से अब माल मिल सब ले लिया हम लोग, थोड़ा निकल रहा है अभी। और मैं बैठे हुए यहाँ पे बस काम की तैयारी हो रही है, थोड़ा घबराहट है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर आके हम लोगों ने सामान वगैरह पूरा माल भी मिला, जो भी कलर का लाना था ला के। और देखिए साफ सफाई करके एक हाथ दीवार हो गई और एक हाथ छत हो गई और ये खंभा मार दिया हम लोगों ने। और अभी खाना खाने का टाइम हो गया। मैं दिखा नहीं पाया फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अर्जेंट और एक गणेश नगर में काम है तो दिखा नहीं पाया। अर्जेंट में फटाफट काम करके छुट्टी लेना है हम लोग को, तो इस वजह से दरअसल भूख लग रही है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलने का क्या नहीं। तो पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद में ही कुछ समझ में आएगा। यहाँ का बाहर का है, होटल में खाना खाएंगे बजट के जो तूने बोला ना वही रहेगा। यहाँ पर छोटी मोटी होटल का नजर आएगी, तो उधर सामने तो दिख रही है एक। तो चलो फटाफट पार करते हैं रोड क्रॉस। हाँ ये सामने वो था भटियार का खाना, तो हम लोगों साहिल को खाने का राइस प्लेट हो रहा। चलो मेरा भी राइस प्लेट खाने का दिल कर रहा था, अभी ढूंढते हैं यहाँ पर राइस प्लेट कहाँ मिलेगा। तो बहुत ही देखो हम लोग पहुँच गए हैं राइस की दुकान पे, तो चलो बैठते हैं यहीं खा बैठेंगे आगे। तो यहाँ बैठे तू यहाँ पे, मैं यहाँ पे, दो हाफ राइस का ऑर्डर दे दिया अभी यहाँ पर हम लोग बैठे। साहिल भाई मस्त आवाज और क्या, राइस प्लेट खाने का था? देखो राइस ही खाने का, राइस प्लेट नहीं खाने का, राइस ही खाने का। बटियार का खाना नहीं जमता ना? नहीं जमता, वजह नहीं आता। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन राइस से पहले हमारी चटनी आ गई। आ गई हमारी राइस प्लेट भी और साहिल भाई तो खाना भी स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं थक हार के आ चुका हूँ बहुत, आप सब देख सकते हैं मेरी हालत। मैं रुक जाओ थोड़ी देर, मैं आप सब देख सकते हैं मेरी हालत किस तरह हो गई है। आज मैं सुबह से काम पर था तो बहुत ज्यादा ही अर्जेंट काम था और एकदम मतलब एक ही दिन में पटाने का था, क्योंकि दूर काम था बहुत। तो इस वजह से आज पूरा फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन अंदर का पूरा हो गया है। और कल मुझे बाहर आउटसाइड का काम करने जाना है, आउटसाइड का मतलब बाहर का ही है, गली में ही है, तो वही गली का मारना है। तो अभी तो फिलहाल देखो बज रहे हैं 9:30 बजे, अभी आया हूँ 10 मिनट बाद चाय ले दूध लेकर आया था। तो हमारी राजी साहिबा, हमारी महरारू, हमारी बेगम साहिबा बना रहे हैं चाय। और ये देखिए भाई साहब भाग गए। फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता ही है, जब मैं काम पे से आता हूँ तो मुझे चाय के इतने तलब लग जाते हैं। तो मेरी वाइफ ने भी जस्ट बनाया चाय और बटर वगैरह भी सब इसके अंदर तैयार है, तो मिलते हैं चाय पीने के बाद। बटर तो तैयार था और साथ में बन पाव भी लेकर आया था, ये बिस्किट भी लेकर आया था इनके लिए। और चाय पीने के बाद ही फिर कपड़ा वगैरह चेंज करता, बहुत ही हालत खराब हो गई, बहुत थक गया मैं। साहिल भी था मेरे साथ बेचारा, भी बहुत मेहनत किया उन्होंने, मतलब सब मिलजुल के काम किए हैं। A few moments later. तो हो गया फ्रेंड्स कपड़ा वगैरह चेंज करके, और फातिमा बहुत नखरे कर रही है खाना खाने के लिए। तो देखिए खाना ही नहीं खा रही है। ए बेटा खाना खाओ जल्दी जल्दी। हाँ अब वो खाना नहीं खाएगी ना तो बिल्ली को लेके जाएंगे, तो बराबर खाएगी बिल्ली को देख के ना। फ्रेंड्स इतना रो रही है, इतना रो रही है, बाप रे। जैसे उसके सामने अगर चले गया ना ये, समझ लो इसका रोना बंद ही नहीं होगा ना तब तो। उसको इस वजह से उसकी मुंडी
उधर रखे उस साइड पे, इसको देखेगी तो रोना नहीं चाहिए। तो इसको एक बार दिखाता हूँ मैं, आप लोगों को ट्रेलर दिखाता हूँ। अच्छा मेरा बच्चा अच्छा बिल्ली के पास जा, तू खाना नहीं खाते ना। बेटा इधर देखो, कौन है कौन है कौन है? हाँ बेटा कौन है, ये कौन है, ये कौन है, हाँ ये कौन है? अभी वो सो रहा उस तरफ देख रहा है, जैसे रो नहीं रही है। अभी देखो दिखाता हूँ रुक जाओ। तो फ्रेंड्स देखिए ये उठ चुका है और इसका रोना भी स्टार्ट हो चुका है। क्या मेरे बच्चे खाना नहीं खाए ना, अब तुम्हारा बदला है। देखो अब तुम्हारे लिए आ रहा है। देखो ये देखो अब तुम्हारे को ये काटेगा। अब तुम्हारे को खाना नहीं खाया ना तुमने, खाना नहीं खाया ना तुमने। अब देखो इसको देख देख के रो रही है। जरा से बेचारा उठा है क्या है तो रोना स्टार्ट हो गया इसका। और दोपहर में क्या बनाया था तुमने? दाल चावल बनाया। दाल चावल मैं था नहीं ना, तो इस वजह से ये दाल चावल बना के खा लिया। और मैं तो बाहर होटल में खा लिया था राइस, तो वही बस। तो बस अभी जाएंगे खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे बिल्लू साहब खा रहे हैं खाना। दरअसल इसको लाने का कुछ वो नहीं था, लेकिन जब सुबह में गया था ना मैं इसको खाना देने के लिए, तो ये डायरेक्ट आके मेरा पैर वगैरह पे, मतलब वो प्यार से करते ना, पैर पे आके चढ़ रहा था। और मैं जाते जा रहा था, मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, तो इस वजह से दिल बदल गया मेरा, मतलब दिल एकदम पिघल गया मेरा। तो इस वजह से लेकर आ गया, क्योंकि मैंने बहुत पहले बिल्ली पाल चुका हूँ, तो इस वजह से मुझे भी बिल्ली से बहुत प्यार है। तो वही मैं खुद सोच रहा था कि अकेला कैसा रहेगा, इसको बंद करके जाऊँगा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस वजह इसको अपने घर पे लेकर आ गया, मैंने रह इधर भी इसको बांध के रखो। तो फिर मैं क्या किया था पता है, ये बाथरूम का जो है ना क्या बोलते अपना खिड़की, इधर से कूद के भाग गया था दूसरे साइड पर है ना, चलो कूद के चले गया था। बिचारे रोने लग गए, बोले अरे माँ बिल्ला भाग गया एकदम। मेरी सासू माँ को फोन किए, बोले टेंशन मत ले तू, वो आ जाएगा। फिर मैं जब 9:30 बजे काम पे से आया 9 बजे, तो फिर इसको ढूंढ रहा था, मेरे को भी नहीं मिल रहा था। तो सामने छत है ना, तो छत के ऊपर बैठा था, फिर इसको पकड़ के नीचे में लेकर आया था। अभी देखो बांध के रखा, मैं रस्सी बांधा उसके गले में, फिर भी खुल गई। तो अभी एकदम अच्छे से बांध के रखो, खाना खा रहे हो। देखो कैसा नीचे जाके बैठा है, ये देखो 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 हक्का, इसको इतनी बड़ी रस्सी बांधा हूँ मैंने, ये यहाँ पर बांधा हूँ पूरा। फ्रेंड बस आज का ब्लॉग इधर एंड करते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।